बिरजी कॉलेज आती है और वहाँ उसे अली मिलता है। अली उसे बताता है कि पार्किंग लॉट का कैमरा ख़राब है और कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उससे पूछती है चुप रहने के कितने पैसे लोगे ये बताओ। अली चुप रहता है, कुछ जवाब नहीं देता। बिरजिक और सहरा कॉलेज में एक दूसरे से मिलते हैं। बिरजिक सहरा से कहती है बहुत बुरा लगा तुम्हारा रिलेशनशिप इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। बिरजिक सहरा से पूछती है सलीम कहाँ है। तभी सलीम वहाँ आ जाता है और सलीम पूछता है क्या हुआ। बिरजिक कहती है मेरा सनग्लास तुम्हारे घर रह गया। सलीम कहता है मैंने नहीं देखा। बिरजिक कहती है शायद बाथरूम में रह गया होगा। सलीम कहता है तुम 2 मिनट के लिए आई थी, ऐसा नहीं हो सकता। बिरजिक के फ़ोन पर असली उसके जिम ट्रेनर का फ़ोन आता है और उसे असैना के बारे में बताती है। बिरजिक नाजली से बात करती है और उससे कहती है तुम सहरा को जानती हो। नाजली कहती है हाँ। तो बिरजिक कहती है तुम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला के मुझे दोगी और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। नाजली बिरजिक को इन्फॉर्मेशन देती है और बिरजिक इसके बदले उसे पैसे दे देती है। सहरा अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तभी वहाँ सलीम आ जाता है और सहरा से बात करता है और सहरा से बोलता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती और मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सहरा से पूछता है क्या हम अब भी फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। सहरा को फ्रेंडली डिनर के लिए इन्वाइट करता है। ये सुनकर सहरा वहाँ से जाने लगती है लेकिन सलीम उसको मना लेता है। सहरा घर आकर अपनी मॉम को बताती है कि मैं डिनर पर जा रही हूँ। मॉम पूछती हूँ उसी लड़की के साथ जिसने फ्लावर्स भेजे थे। सहरा कहती है नहीं मैं सलीम के साथ जा रही हूँ। असैना आयशा चौबान को मैसेज करती है और उससे कहती है जैसा मैं कहूँगी अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को पिक्स दिखा दूंगी। असैना अपने दूसरे फ़ोन से मैसेज करती है और फ़ोन वहीं छोड़कर वॉशरूम चली जाती है और वहाँ ईशान आ जाता है। वो न्यू फ़ोन देखता है उसमें लॉक लगा होता है। असैना के वॉशरूम से बाहर आते ही वो उससे पूछता है तुम कब से 2 फ़ोन यूज़ करने लगी। असैना उसे झूठ बोल देती है और कहती है मैंने बिजनेस के लिए लिया है, मैं हर किसी को अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकती। एहसान कहता है मैंने पहली बार किसी को बिजनेस के लिए न्यू फ़ोन लेते देखा है। तभी एहसान के पास किसी का फ़ोन आता है और वो असैना को अजीब ढंग से देखने लगता है। सलीम सहरा को पिक करने उसके घर आता है और सहरा उसके साथ चली जाती है। सहरा सलीम से पूछती है कि हम डिनर पर कहाँ जा रहे हैं। सलीम उसको बताता है तुम्हें सब कुछ सिंपल चाहिए था इसलिए हम घर जा रहे हैं, मैंने घर पर ही सब अरेंज करा है। सहरा कहती है मैंने सिंपल करने के लिए बोला था लेकिन तुमने घर पर ही इतना सब अरेंज कर लिया। सलीम कहता है अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो हम कहीं और जा सकते हैं। सहरा कहती है नहीं मैं बस इसलिए बोल रही हूँ तुम्हें परेशानी हुई बिना बात के। सलीम सहरा को अपने दादी के घर लेकर जाता है और उसको बताता है मेरी दादी का घर है थोड़ा म्यूजियम जैसा है लेकिन मेरे रहने के लिए ठीक है। सहरा घर को देखती है और दोनों डिनर करते हैं। डिनर के बाद सलीम और सहरा बातें करते हैं। सलीम कहता है तुम इतनी ब्यूटीफुल हो सहरा और उसके बाद भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सहरा कहती है मुझे इन सब के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। सलीम सहरा को देखने लगता है। सहरा कहती है तुम मुझे फिर से उसी तरह से देखने लगे। सलीम कहता है कैसे। सहरा कहती है एक फ्रेंडली डिनर है। सलीम कहता है मेरे लिए ये उससे बढ़कर है। और सलीम सहरा को किस कर लेता है। बाद में सलीम सहरा को एक्सीडेंट के बारे में बताता है जो उससे गलती से हुआ था। सहरा उसको समझाती है फिर दोनों बातें करने लगते हैं। सहरा टाइम देखती है। सलीम कहता है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सलीम की दादी उसको बर्थडे विश करने के लिए कॉल करती है और उससे पार्टी का बोलती है। सलीम उन्हें मना कर देता है और कहता है मैंने अपने बर्थडे की शुरुआत बहुत अच्छी करी है। जिक भी सलीम को बर्थडे विश करने के लिए कॉल करती है लेकिन सलीम उसका फ़ोन नहीं उठाता। ईशान असैना के ऊपर न्यूज़ के चक्कर में गुस्सा करता है। असैना उसे समझाती है और कहती है मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ईशान कहता है अगर तुम्हें इस घर से बाहर जाना है और कंगाल होना है तो दोबारा ऐसा कर सकती हो तुम। बिरजिक एडा जैनब तीनों सलीम की बर्थडे पार्टी की तैयारियाँ कर रही होती है। एडा बिरजिक से पूछती है तुमने सहरा को इन्वाइट करा। सहरा बिरजिक कहती नहीं। एडा कहती है कर दो वरना तुम्हें तो पता ही क्या होगा। जैनब बताती है सलीम और सहरा कल रात एक साथ थे और मैंने सलीम को फ़ोन पे बात करते हुए सुना है। बिरजिक ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। बिरजिक कैफेटेरिया से स्वीट्स खरीद के खाती है और कोई उसको रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में बिरजिक वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग कर देती है। सलीम सहरा को पिक करने आता है और रास्ते में नील की कॉल आती है और वो उसको बर्थडे विश करती है। सहरा कहती है तुमने मुझे बताया नहीं आज तुम्हारा बर्थडे मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ले आती। सलीम कहता है हमने कल रात इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा और यही मेरा बर्थडे गिफ्ट। सहरा अपने घर जाती है और अपने डैड को एक बॉक्स देती है। उसके डैड पूछते हैं इसमें क्या है। असैना बताती है इसमें मेरी कुछ ज्वेलरी और कैश है। उसके डैड पूछते हैं कि तुम अपने हस्बैंड से सब छुपा के कर रही हो। असैना कहती है ये सब मेरी है और हम दोनों कल बैंक जाएंगे वहाँ एक म्यूचुअल अकाउंट खोलेंगे और मैं ये सब वहाँ रख दूंगी और मुझे आपके अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं है।
सलीम कॉलेज आता है, एडा और जैनब उसको विश करती हैं। फिर एडा के फ़ोन पर बिरजिक की वीडियो आ जाती है और क्लास में सब वीडियो देख रहे होते हैं। तभी बिरजिक वहाँ आती है और सलीम को विश करती है और सब बिरजिक को देखकर हंस रहे होते हैं। फिर एडा उसे उसकी वीडियो दिखाती है और वीडियो देखकर बिरजिक वहाँ से चली जाती है। नाजली बिरजिक वाला वीडियो देख रही होती है, उसी टाइम वहाँ जैनब आ जाती है और नाजली उससे कहती है वेलकम पार्टनर, क्योंकि वो वीडियो जैनब ने बनाई होती है और नाजली ने वायरल करी होती है। नाजली जैनब से पूछती है ऐसा कौन करता है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, कोई इतना बुरा अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करे। जैनब नाजली को पैसे देती है, नाजली उसको बोलती है ये कम है इस काम के लिए। जैनब उसको बोलती है जितने की बात हुई थी ये उतने ही है। जब अपने घर पे बैठ के रो रही होती है, उसकी मॉम उसको समझाती है लीमिया एक टाइप की डिजीज़ है और कुछ नहीं, तुम बस नॉर्मल रहो। को याद दिलाती है कि आज सलीम की बर्थडे पार्टी है, उसकी तैयारियाँ करो। एडा बिरजिक को कॉल करती है, बिरजिक उससे नॉर्मली बात करती है। एडा जैनब को बताती है बिरजिक को समझना बहुत मुश्किल है। जैनब पूछती है क्यों क्या हुआ, एडा कहती है मैंने अभी इसको कॉल किया, उसने बहुत नॉर्मली बात की जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सहरा की मॉम एक सिलाई मशीन लेकर आती है, बिनास पूछती है किसके लिए। निलगुन उनको बताती है कि मैं सिलाई का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। बिनास पूछती है सहरा को पता है इन सब के बारे में और पैसे कहाँ से। निलगुन कहती है मैंने उधार लिया, सहरा को नहीं पता और आप भी सहरा को मत बताना प्लीज़। सहरा अपने घर आती है और अपनी मॉम से पूछती है ये सब क्या है। उसकी मॉम बताती है कि मैं अब से सिलाई का काम करूँगी और मैंने और बिनाज ने एक साथ पार्टनरशिप करी है। सहरा सलीम की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और बाहर से उसकी मॉम की चीखने की आवाज़ आती है, तो वो बाहर जाके देखती है उसकी मॉम के पैर में चोट लग गई होती है। बिरजिक बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन चेक कर रही होती है। जैनब और एडा भी वहाँ जाते हैं। सलीम, नील और ओनूर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट में। नील सहरा के बारे में पूछती है, सलीम बताता है वो होटल में क्लीनर की जॉब करती है पैसों के लिए। ईसान और असैना भी पार्टी में आ जाते हैं। ओनूर और नील सलीम को बर्थडे पार्टी में लेकर आते हैं। एंट्री करते टाइम ही सलीम स्क्रीन पर अपने बचपन की वीडियो देखता है अपनी मॉम के साथ। वीडियो देख कर सलीम थोड़ा सा भावुक हो जाता है। ईसान वहाँ आकर सलीम को विश करके हक करता है। सब सलीम को विश करते हैं। सहरा भी वहाँ आ जाती है। सहरा को आता देख सलीम उससे मिलने जाता है और सहरा को किस करके कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सलीम सहरा को अपनी फैमिली से मिलवाता है। सहरा से कहती है मैंने बहुत सुना था ओनूर और सलीम से तुम्हारे बारे में, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि तुम कितनी सुंदर हो। बुराक भी वहाँ आ जाता है और सहरा और सलीम को एक साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। सलीम केक कट करता है और सहरा को पब्लिकली किस करता है। उसी टाइम वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो होता है जिसका सलीम ने एक्सीडेंट किया था। ओनूर और नील और सलीम उसको देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से वो मर चुका होता है।